दोस्तों, आज की वीडियो में हम टांगाओ के कुछ पावर और उनकी एबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर उनकी पावर कितनी है और उनके पास कौन कौन एबिलिटी है। दोस्तों, एक और बात, मैं इस वीडियो में सिर्फ इसका पार्ट वन ही एक्सप्लेन करूंगा और इसका दूसरा पार्ट बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, टांगाओ के फाइटिंग स्टाइल। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि टांगाओ एक बहुत ही गर्म खून वाला व्यक्ति है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है जो अपनी प्रॉब्लम्स को डटकर सामना करता है और वो अपनी ओपोनेंट को अच्छी खासी सबक सिखाता है और इनके रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। दोस्तों, टांगाओ एक अटैक टाइप की सोल मास्टर है और इनकी हैमर इतनी पावरफुल है कि यह किसी भी पावरफुल अपोनेंट को सबक सिखाता है और उनकी दिल में डर को पैदा करता है। नंबर टू, क्लियर स्काई हैमर। व्यवहारिक रूप से बचपन से ही टांगाओ के कल्टीवेशन उनके भाई के साथ ही हुई थी और 20 साल की उम्र में ही टांगाओ ने अपनी पहली क्लियर स्काई स्कूल की विरासत स्पिरिट को हाजिल की। और जब टांगाओ 20 साल की उम्र में ही 70 लेवल अचीव किया तो उसने क्लियर स्काई स्कूल से दो स्पिरिट सोल बोन को हाजिल की। इसके साथ ही टांगाओ को क्लियर स्काई स्कूल का अगला डॉलुओ मास्टर नाम से घोषित किया गया था और फिर 35 साल के उम्र में वो आयन से मिला। तब टांगाओ और उनका भाई ने उस समय में क्लियर स्काई क्लैन के लोगों की रक्षा करते थे और जब टांगाओ ने स्लॉटर सिटी में गया तो वहाँ पर वह डेथ गॉड डोमेन को हाजिर करता है और 20 साल की उम्र तक वो उनका भाई और आयन ने मिलकर एक साथ काम करते हैं। जब उनकी भाई को यह पता चला कि वो आयन से प्यार करता है तो वो उन्हें अकेला छोड़कर अपने क्लैन पर वापस लौटता है। जिस टाइम तक टांगाओ के लेवल 84 तक पहुंच गया था और टैंक्शन के जन्मदिन के समय लेवल 89 पर पहुंच जाता है और उसी साल मार्शल हॉल से बचने के लिए आयन ने अपनी सैक्रिफाइस करके 100,000 ईयर के सोल रिंग को टांगाओ को दे दिया होता है, जिससे टांगाओ के लेवल 92 पर पहुंच जाता है और टैंक्शन को गोद में लेकर एक ही हाथ में मार्शल हॉल के सभी सोल मास्टर्स को हरा दिया था। और जब टैंक्शन लगभग 19 वर्ष का था तब टांगाओ ने अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग को काट देता है। इससे उसकी कल्टीवेशन नीचे गिरकर लेवल 75 पर आ जाता है और 6 साल से ज्यादा समय आइस एंड फायर के लीक में आयन की प्लांट के साथ रहकर कल्टीवेशन में सुधार करता है, जिसकी वजह से उनकी लेवल 79 पर पहुंच जाता है। नंबर थ्री, स्पिरिट रिंग्स। टांगाओ के पास टोटल 10 स्पिरिट रिंग्स है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक टांगाओ के 10th सोल रिंग को नहीं देखी है। जब कोई भी व्यक्ति गॉड बनता है तो उसको एक गॉड की तरफ से एक गोल्ड रिंग मिलती है और इसमें फर्स्ट सोल रिंग येलो है और इसका एज 300 साल है और सेकंड सोल रिंग येलो है और इसका एज 600 साल है और थर्ड सोल रिंग पर्पल है और इसका एज 1500 साल है और फोर्थ सोल रिंग पर्पल है और इसका एज 4000 साल है और फिफ्थ सोल रिंग ब्लैक है और इसका एज 10000 साल है और सिक्स्थ सोल रिंग ब्लैक है और इसका एज 20000 साल है। सेवंथ सोल रिंग ब्लैक है और इसका एज 50000 साल है। एट्थ सोल रिंग ब्लैक है और इसका एज 70000 साल है। नाइन्थ सोल रिंग रेड है और इसका एज 100000 साल की है। टेंथ सोल रिंग गोल्ड है और इसका एज 1 मिलियन प्लस साल है।